भारत सरकार द्वारा डोमिसाइल पर बोलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट भरती शर्मा ने कड़े शब्दों में आलोचना की है। उनका कहना है जो लोग 370 हटने पर ढोल नगाड़े बजा रहे थे, अब उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि क्या डोमिसाइल सही है। ब्यूरो रिपोर्ट। को बताई है जो जम्मू कश्मीर सरकार और जो कनेंद्र की सरकार है, जो उसने तोहफा दिया है डोमिसाइल का, और जो भी उस चीज में नोटिफिकेशन आया जो उसमें बताया गया है, मैं तो कहता हूँ कि खास करके जो हमारे जम्मू के लोग हैं, जम्मू के हमारे भाई हैं जम्मू रीजन के, जैसे उन्होंने पहले 370 गया, 35 गया, उसके लिए उन्होंने खुशियाँ मनाई, लड्डू बांटे, ढोल नगाड़े बजाए, मैं कहता हूँ कि इस तोहफे के लिए भी उनको अब ढोल बजाने चाहिए, लड्डू बांटने चाहिए और खुशियाँ मनानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जम्मू के लोगों को, जम्मू के आने वाली नस्ल को, जम्मू के नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए उन्होंने जो सिर्फ फोर्थ क्लास की नौकरियाँ रखी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पढ़ा लिखा आदमी कोई है ही नहीं है, जो भी पढ़े लिखे हैं वो सिर्फ फोर्थ क्लास की नौकरी कर सकते हैं, बाहर के जो भी लोग आएंगे वो सब यहाँ के अफसर बनेंगे, यहाँ राज करेंगे आके। जम्मू कश्मीर के जो डोगरों की बात करते थे, जो डोगरों की पगड़ी की बात करते थे, पजामे की बात करते थे, जो बहुत बहुत नारे लगाते थे कि जम्मू को हम स्वर्ग बना देंगे, जम्मू को हम ये करेंगे, अब देख लीजिए ये जम्मू को क्या स्वर्ग बनने जा रहा है। ये पहला तोहफा है अभी केंद्र सरकार का, जम्मू कश्मीर सरकार का, और कैसा इन्होंने टाइम ढूंढा जी। एक तो पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोने में पीसी जा रही है, उसके लिए परेशान है, और दूसरा इन्होंने इस टाइम में निकाला, अब सब इसको इंतजार करते। और ये वाला जो कोरोना दिया, जो कोरोना चल रखा है, ये तो 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में खत्म हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो कोरोना जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्होंने दिया है ना, बीजेपी वालों ने, तो ये कोरोना जो है ये सदियों लोग नहीं भूलेंगे, ये सदियों दम बाद याद करेंगे। जय भारत, जय हिंदुस्तान। कुलदीप शर्मा बने मोदी फैन क्लब के प्रधान। मीरा साहिब कस्बे में शुक्रवार को मोदी फैन क्लब जम्मू कश्मीर के पदाधिकारियों की एक बैठक क्लब के फाउंडर मेंबर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता एडवोकेट देवराज शर्मा की देखरेख में आयोजित हुई। इस मौके पर मोदी फैन क्लब की नई कमेटी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। इस दौरान सभी सदस्यों ने सोशल डिस्टेंस जैसे नियमों की पूरी तरह से पालन किया और क्लब के नए प्रधान सहित अन्य कमेटी को चुना गया, जिसमें कुलदीप शर्मा को सर्वसम्मति से मोदी फैन क्लब का प्रधान चुना गया। इसके अलावा दयापाल राजकुमार शर्मा को सहित तमाम लोगों को चुना गया है। रिपोर्ट जेके न्यूज। सामाजिक कार्य और पार्टी के कार्य करते करते आज इस समय मुझे मोदी फैन क्लब ने इस काबिल समझा और मुझे ये दायित्व दिया। मैं दायित्व अच्छे तरीके से निभाऊंगा और मैं अपनी टीम को ये आश्वासन देना चाहता हूँ हम मोदी फैन क्लब के जो उद्देश्य हैं उनको सफल करेंगे। राजपुरा में भी कुलभूषण सिंह, मंडल प्रधान गगवाल राजेश सिंह, बीडीसी चेयरमैन राजेश सिंह ने लोगों को बांटा राशन। कुलदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। डोमिसाइल का विरोध कर रहे जम्मू के युवाओं और विभिन्न राजनीतिक संगठन जम्मू के युवाओं के साथ किया गया बताया जा रहा मजाक, हर तरफ हो रहा विरोध। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स प्रेसिडेंट रजनी जमौल आज इस वीडियो के माध्यम से अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर साहब को ये मैसेज करना चाहती हूँ, अपनी तरफ से नहीं पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से, यूथ की तरफ से, कि सर आपने जो कल डोमिसाइल रूल पास किया है जम्मू कश्मीर में उसको वापस ले लीजिए, क्योंकि वो हम लोगों के हित में नहीं है, हम लोग उसको कभी भी स्वीकार नहीं करते, हमें वो मंजूर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो 25 MLA हमारी स्टेट में थे उन्होंने हमारे ट्रस्ट को ब्रेक किया है, उन्होंने कोई डेवलपमेंट के काम यहाँ पे नहीं किए, उन्होंने यूथ के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं। उन लोगों के ऊपर से तो ऑलरेडी हमारा ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो चुका था, लेकिन कल जो सेंटर से ये रूल जो है वो पास हुआ है यहाँ के लिए, तो अब हमारा सेंटर की गवर्नमेंट के ऊपर से भी ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो चुका है, क्योंकि आप लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि 370 के बाद हम जम्मू कश्मीर के लोगों का खास ख्याल रखेंगे, हम यहाँ की लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर डेवलपमेंट के काम कराएंगे, हम यहाँ की यूथ का खास ख्याल रखेंगे, यूथ को जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ आज माननीय प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से कि सर ये सब क्या है जो आपने ये डोमिसाइल
रूल पास किया है, ये तो जम्मू कश्मीर के युवा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और जम्मू कश्मीर का युवा जो है इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग अपने घरों से निकल जाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी सभी स्टूडेंट जो है भाई इकट्ठे होकर सड़कों पर उतर जाएंगे, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि इससे हमारा फ्यूचर जो है वो सेफ नहीं है। हम किसी की इंटरफेयर जो है वो अपनी यूटी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इसको प्लीज़ वापस ले लीजिए क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारा ट्रस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी से ब्रेक हो चुका है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे जो 25 एमएलए जीते थे अब हम उनको बिल्कुल जीरो कर दें। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो आने वाली इलेक्शंस जो है वो जीरो हो जाएगी। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसको वापस ले लीजिए क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो जाग गया फिर उसको भी सत्ता में आना आता है और वो फिर कैसे रूल्स चेंज किए जाते हैं वो भी हमें भी फिर आता है, हम लोग भी फिर बताएंगे कि ऐसे किया जाता है। इसलिए हमारे साथ इनजस्टिस मत करिए, आप इसको वापस ले लीजिए, ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो भोले वाले लोग हैं, उन्हें बेवकूफ मत बनाइए और जो अपनी चेयर्स का जो है वो सही इस्तेमाल कीजिए। मैं सनी शर्मा, यूथ फेडरेशन प्रेसिडेंट लखनपुर, मैं फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप तक कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहता हूं कि आपने सुना होगा कि जो डोमिसाइल एक्ट जो अभी अभी दो दिन पहले पास किया गया है हमारी सेंटर से जो आया है, तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो एक्ट है इसमें जो नौकरियों का प्रावधान जो रखा गया है वो बिल्कुल ही निंदनीय है, बिल्कुल ही गलत है। और मैं ये चाहता हूं आम यूथ से, अपने यूथ भाइयों से और बहनों से और सभी लोगों से ये चाहता हूं कि आप एकत्रित हो जाएं, जैसे ही ये महामारी कोरोना वायरस खत्म होती है, इसके खत्म होते ही हमारा एक जोरदार प्रोटेस्ट होना चाहिए सरकार के खिलाफ, सरकार कौनसी के खिलाफ, सरकार जम्मू के खिलाफ नहीं, हमारा ये जो प्रोटेस्ट होना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, सेंटर के खिलाफ। क्योंकि आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जम्मू के खिलाफ इसलिए नहीं, जम्मू की बीजेपी के खिलाफ इसलिए नहीं, क्योंकि जो बीजेपी के जो एमएलए हैं इनकी अपने घरों में नहीं चलती है, इन्होंने जेएनके की सरकार क्या चलानी है। आपने देखा होगा कि इन्होंने आज तक सिर्फ बातें की हैं, बातें करने में सबसे आगे जो है वो हमारी जम्मू कश्मीर की बीजेपी है, जम्मू कश्मीर की बीजेपी सबसे आगे है बातें करने में, और काम करने में इनकी 1% इनका योगदान नहीं है क्योंकि इनकी चलती ही नहीं है। चलनी कहां से है? चलनी माननीय प्रधानमंत्री जी से है और अमित शाह जी से है। और हम ये अपना अनुरोध जो रखेंगे, जे अनुरोध रखेंगे माननीय प्रधानमंत्री से और अमित शाह जी, क्योंकि ये ही फैसला करेंगे, दो ही बंदे जो हैं जो सरकार चला रहे हैं, जो देश चला रहे हैं, हम इनसे ही अपना अनुरोध करेंगे कि ये जो डोमिसाइल एक्ट में आपने जो नौकरी का प्रावधान रखा हुआ है, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, जम्मू कश्मीर की यूथ, जम्मू कश्मीर के सभी लोगों की तरफ से हम आपके साथ हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ये जो एक्ट है ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, इस एक्ट को प्लीज आप जरा चेंज कीजिए, हमें हमारे लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोग ही लोग नौकरी करें और बाहर से हमारे यहाँ पे कोई नौकरी का फॉर्म नहीं भरे, क्योंकि ये हमारे आगे ही लोग बहुत ही परेशान हुए हैं, आगे ही बहुत ही पीड़ा से व्यस्त पीड़ा झेली हुई है हमारे लोगों ने। आप देखो हमारी स्टेट जो है, जो ड्यूटी है, जो डिस्टर्ब है, ये कोई आप सोचो कि बड़े मजे से चल रही है, 6 महीने से जहाँ से 4G और 2G बिल्कुल बंद था, अभी 2G जहाँ चला रहे हैं, जहाँ पे खाने पीने के बांधे हुए हैं, मिलिटेंसी एरिया का जहाँ पे सारा क्राइम चल रहा है, तो इस हालात में आप क्या चाहते हो कि जो यूथ है ये किस ओर डाइवर्ट कर रहे हो इस यूथ को कि 4th क्लास नौकरियां इनको मिले, हैं 4th क्लास नौकरियां, ये हमारे साथ आपने विश्वासघात जो किया है, ये विश्वासघात यूथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, यूथ इसका करारा जवाब देगी। हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, ये जो नौकरी वाला प्रावधान है ये प्लीज आप वापिस लीजिए, हमें 100% नौकरी जो है वो जम्मू और कश्मीर की यूथ को मिलनी चाहिए, बाहर से किसी को कोई नौकरी का प्रावधान खासकर जेएनके यूटी में बिल्कुल नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत। मढ़ीन तहसील के चिडवाल पंचायत में गरीब मजदूर परिवारों के लिए लॉकडाउन के पहले दिन से ही एक समय के लंगर की व्यवस्था की गई। गांव वालों के सहयोग से इस लंगर की व्यवस्था वहां के सरपंच सीमान शर्मा तथा वहां के युवा संभाल रही है। वहां पर लोगों का कहना है कि हम तो अपने घर में खाना खा लेते हैं लेकिन जो गरीब परिवार अपना गुजारा रोज मजदूरी करके करते हैं उन्हें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने उनकी सहायता के लिए कदम उठाया। गाँव के युवा सुनील शर्मा, शशिपाल, बंटी कुमार, होमराज तथा अजय भारती ने बताया कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वहां पर लोगों को खाने दे रहे हैं, जब तक प्रधानमंत्री की अपील कर
लॉकडाउन जारी रहेगा या लंगर भी चलता रहेगा। हीरानगर से श्यामलाल शर्मा की खास रिपोर्ट, जेके न्यूज। लोअर मुंडा टोल पोस्ट और इमरजेंसी हॉस्पिटल काजीगुंड में कोविड 19 स्क्रीनिंग सेंटर का बनाया गया, जिसमें कश्मीर वैली में आने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जाकिर मलिक की रिपोर्ट। जी मैं आपका, हमें ये बताइए कि आप यहाँ पे आपने स्क्रीन टेस्ट सेंटर रखा है, तो क्या लग रहा है आपको कि अभी तक कौन कितने केसेस आपके सामने आए, सस्पेक्टेड केसेस? मेरा नाम डॉक्टर महमूद, हम आयुष यूनिट से हैं, यहाँ पे तैनात हैं, और मेरे साथ डॉक्टर अरशद भी है और फार्मासिस्ट भी हैं दो तीन। तो हमने अभी तक 10 बजे से हमने यहाँ जो संभाला ये, तो अभी तक हमने कोई मेरे घर में 127 ट्रकें चेक की, गाड़ियाँ, उसमें से हमने 127 जो पैसेंजर उसमें थे, ये ड्राइवर लोग थे, कंडक्टर मिला के। तो अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई पॉजिटिव वाज नहीं है, किसी को हमने फेवर नहीं अभी देखा कुछ ज़्यादा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही सब लोग आए। और जो उसके साथ एक्स्ट्रा कोई पैसेंजर आता है तो उसको हम क्वारंटीन में डालते हैं, जो लुधियाना से या जो लखनपुर से आगे जो आता है उसको हम क्वारंटीन में डालते हैं, उसको हम बाजा स्लिप बनाते हैं, उसको बाजा स्लिप डालते हैं, उसका फ़ोन नंबर लेते हैं। अभी तक सुबह 7 बजे से 10 बजे से लेकर अभी तक 7 लोगों का जो क्वारंटीन में, उनका फॉर्म जो जमा किया है फॉर्म। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? बस ये कि लोगों को चाहे कि वो घर में अंदर बैठे, किसी के साथ मिले नहीं, क्योंकि ये कंटैक्ट ज़्यादा होता है, कोशिश करें कि अंदर ही बैठे ज़्यादा। रामगढ़ तहसील के उचपुल में लॉकडाउन के चलते देर रात ट्रैक्टर खनन करते सीज किए गए। चौकी इंचार्ज एसआई उचपुल रामपाल शर्मा ने बताया, रात 9 बजे ट्रैक्टरों द्वारा रेत व बजरी दरिया से ले जा रहा थे। उन्होंने बताया कि 12 दिन से जम्मू कश्मीर में 144 दफा लागू है, जिसके चलते किसी को बिना काम काज के घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, कोई आवश्यक काम के लिए ही घर से बाहर निकल सकता है। उन्होंने बताया कि रात को वाहन चालक वाहनों की लाइट बंद करके वाहन चलाते पकड़े गए। वाहन चालकों को लगता है कि बहुत होशियार है और पुलिस को चकमा दे। इस संदर्भ में चौकी अफसर यशपाल शर्मा ने बताया कि ट्रैक्टरों को सील कर दिया गया है, उन्हें अब तक नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक कोरोना वायरस देश में खत्म नहीं हो जाता। और चौकीदार अफसर यशपाल शर्मा ने बताया कि 18 में नोट ट्रैक्टर जो अपनी गिरफ्त में लेकर रामकोट थाने में पहुंच गए हैं, और नोट ट्रैक्टर दरिया में फंसे हैं क्योंकि उनके मालिकों को अभी तक पता नहीं है और वह भी विभाग की निगरानी में है, उनके मिलते ही उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री बाबा शिवो श्राइन डेवलपमेंट कमेटी लोगों की मदद के लिए आगे आई, तहसीलदार के देखरेख में लोगों में राशन किया गया वितरित। ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारी संस्था है श्री बाबा शिवो श्राइन डेवलपमेंट कमेटी गोरन, और हमारे जो चेयरमैन हैं तहसीलदार सांबा श्री अवतार सिंह जी, उनकी क्यादत में हमारी एक ऑल कमेटी मेंबर की मीटिंग हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जैसे कि हमारे पूरे विश्व में हिंदुस्तान में जो कोरोना वायरस अभी चल रहा है, जैसे कि बहुत से जो गरीब लोग हैं जिनको खाना अभी राशन की जो किल्लत हो रही है, उसमें ये निर्णय लिया गया कि जितने भी बाहर से परवारी जो मजदूर जो इधर मजदूरी करते हैं तो उनको हम राशन वितरण करें। इसलिए आज हमने जो सुंभ में जहां जितने भी प्रवासी हैं, जहां हमारे इलाके के गरीब लोग हैं, उनको कमेटी की तरफ से राशन वितरण किया गया। और हम लोगों से ये अपील करते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि अगर जान है तो जहान है, ये जो कोरोना वायरस हमारे हिंदुस्तान में पूरे विश्व में चल रहा है, इसको हराने के लिए हम पूरी जनता से अपील करते हैं कि इसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसका जो कानून बनाया गया है उसकी उल्लंघना ना करें, चाहे वो कोई गांव में रहता है, चाहे वो कोई सिटी में रहता है, चाहे वो बच्चा है, जवान है या बूढ़ा है। इसलिए हम उनसे यही उम्मीद करते हैं और ये अपील करते हैं कि इसका वायलेशन ना करें, और जो महामारी है इसको मद्देनजर रखते हुए बार बार हाथ धोएं साबुन से, मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ध्यान रखें। धन्यवाद। एसएसपी सांबा शक्ति पाठक ने थाना क्षेत्र रामगढ़ का दौरा किया और रामगढ़ के जवानों के लिए COID-19 के खिलाफ उठाए जा रहे सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। वहीं उन्होंने पुलिस के जवानों के बीच सैनिटाइजर वितरित किए, उन्हें कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सभी एहतियाती उपायों का पालन करने के लिए जानकारी दी। आपको बताते चले कि जब जम्मू कश्मीर में महामारी से इस प्रकार का माहौल बना हुआ है, तब से एसएसपी सांबा शक्ति पाठक दिन रात अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। गढ़वाल से श्यामलाल शर्मा की रिपोर्ट।
सब डिवीजन गगवाल के संगवाली पंचायत में पंचसत्ता देवी ने गरीब लोगों को खाना खिलाया और लोगों को समझाया कि घरों से बाहर ना निकले। उनका कहना है कि कोरोना को हराना है और अपने आप को बचाना है। पंचसत्ता देवी ने कहा, मैं गरीबों की मदद करने के लिए हर समय तैयार हूं। आपको बता दें, सत्या देवी ने दूसरी तीसरी बार लोगों को खाना खिला दिया। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 5 वाइफ सत्या देवी पंच पंजाब संगवाली बलवान सिंह होर बोला दे। इ'यां लंगर लुंगर लाया, गरीब जनता बचारी इत्थै फिरा दी। जदों आ बड़े बंदे ओह् चुग्गी अंदर आंदे, उ'नें स्हूलतां कोई नहीं है। इब्बी बचारे हां ताहीं तुसें फिरा दे बचारे इ'यां गै। जेह्ड़ा मोदी ने लाकडाउन कीते दा इक दिन बाद आई गेआ, एह्दा बचाऽ कराने अपनी सेफ्टी गै रक्खने होर गै। ते लंगर लाए दा 5 दिन होई गए, अज्ज ऐतवार थोड़ी करना असें। और मैगजीन तरफा सब कोई आया नहीं इत्थै। आज भाजपा महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष गीता भगत ने हीरानगर गगवाल मंडल के अलग अलग वार्ड में जाकर अपने गरीब भाइयों बहनों मजदूरों को राशन देकर आई हूं। इस संकट की घड़ी में कोई भूखा ना रहे, अपनी से पूरी मेहनत कर रही हूं। भाइयों बहनों, आप अपने घरों पर ही रहें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप तक खाने पीने और हर जरूरतमंद चीजें पहुंचाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। पक्षी के पीने से नदियों का पानी खत्म नहीं होता, उसी प्रकार दान देने से धन नहीं घटता। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। वॉलंटियर्स ने जीरो लाइन पर पहुंचकर जरूरतमंद लोगों के बीच सूखा राशन वितरित किया है। कानून के छात्र तखेश शर्मा के नेतृत्व में वॉलंटियर्स के एक समूह ने आज बिश्ना में ग्राम जबोवार ट्रेवा अर्निया के 200 परिवारों के बीच सूखा राशन वितरित किया। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस सचिव पंडित पवन कुमार रैना ने केंद्र सरकार से मांग की है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हाल ही में लागू किए गए डोमिसाइल कानून को वापस लिया जाए। रैना ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो जाएगी। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। ऊर्जा सिंह अध्यक्ष शीतल सिंह उदयन कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर ने गाड़ी नागर सुजवान नानक नगर वेव मॉल सतवारी जीवन सागर पेखेरो प्रीत नहर केसी क्षेत्र तालाब पर भोजन और राशन का प्रबंध कर सेवा करने में मदद की। पीसीआर सांबा में एक कॉल पर कार्रवाई करते हुए पीएस गगवाल की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और नवनाथ गगवाल के खाना बदोश परिवारों को राशन और अन्य आवश्यक सामान मुहैया कराया। श्यामलाल शर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 3/4/2020 को मोहिंदर पाल सोंधी आरओ बनी श्री मुकेश सोंधी सुनित सोंधी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनी जोगिंदर सिंह जसरोटिया के एएस के माध्यम से उप राज्यपाल की राहत में 25,000 रुपए का दान दिया। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनी ने उनके उपयोगी योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। बनी से सरफराज की रिपोर्ट।